अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नवनीत। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शॉपिंग हॉल, क्योंकि जस्ट अभी संडे में मैं गई थी पल्टन बाजार, जो कि हमारे देहरादून का लोकल मार्केट है, और यहाँ संडे में बहुत ही अच्छे शॉप्स लगती हैं, बहुत अच्छा सामान आता है, तो यहाँ जो है संडे में बहुत अच्छा संडे मार्केट लगता है। तो मैं संडे में गई थी मार्केट, तो वहां से मैंने परचेज किया है कुछ सामान, तो वही आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है एक ये टॉप। ये जो टॉप है ये कुछ इस तरीके का है, और इसकी जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ है, और इसमें ऐसी बेल स्लीव्स हैं, और बेल स्लीव्स में जो है इस तरीके की नेट की डिटेलिंग दी हुई है। आप ये देख सकते हैं। इसका फैब्रिक जो है वो होजरी में है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा समर फ्रेंडली फैब्रिक है, और इसका नेक जो है वो कुछ ऐसा है, उसमें भी फ्रंट में भी इस तरीके की ये नेट की डिटेलिंग दी हुई है, और बैक में भी इसी तरीके से ये नेट की डिटेलिंग है, और इस तरीके का एक बटन लूप दिया हुआ है। वैसे इसमें बटन नहीं है, जस्ट ये डिजाइन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल है, और ब्लैक जीन्स के साथ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज्यादा कॉम्फी टॉप है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये। और फ्रेंड्स, मैंने जो भी सामान परचेज किया है उसका जो प्राइस है वो मैं वीडियो में ऊपर मेंशन कर दूंगी। फर्स्ट टॉप मैंने परचेज किया है ये, और सेकेंड टॉप जो है वो मैंने लिया है ये वाला, जो कि है ब्लैक कलर में। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये भी होजरी के फैब्रिक में है, और बहुत ही ज्यादा कॉम्फी टॉप है, और बहुत ज्यादा अच्छे फैब्रिक में है, कॉटन फ्रेंडली, कॉटन के फैब्रिक में है, कॉटन होजरी। इसमें इस तरीके का नेक है, और इसमें जो है ये दो ये लटकन लगी हुई है फ्लिंजेस वाली, ये टेसल्स वाली सॉरी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका नेक का जो डिजाइन है वो ऐसा फ्रिल्स वाला है, और इसमें नीचे ये टेसल्स हैं डोरी में, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, और स्लीव्स के बीच में भी जो है ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके की लेस से डिटेलिंग की हुई है, बैलून स्लीव टाइप का है, हाँ शायद इसको बैलून स्लीव ही बोलते हैं। और यहाँ जो है इसकी भी जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ है। सेकेंड टॉप मैंने लिया है ये, और ये दोनों के दोनों टॉप जो हैं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हैं, ये देखिए, और बैक में इसका ऐसा ऐसा कोई डिजाइन नहीं है, तो ऐसा ही है इसकी डिजाइनिंग। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लेन ब्लैक कलर में है ये। और नेक्स्ट मैंने लिया है एक ये वाला टी शर्ट। इसमें जो प्रिंट है वो ऐसा है, और फ्रेंड्स इसमें टी शर्ट में जो फ्रंट का फैब्रिक है थोड़ा सा शियर है, शियर मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। ये स्पेगेटी के साथ में ही वेयर किया जाएगा, मगर मुझे इसका जो प्रिंट है बहुत अच्छा लगा, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, एंड ये हाफ स्लीव्स में है, तो फ्रंट में इसमें ये डिजाइन है, मतलब ये प्रिंट है, और बैक में जो है बिल्कुल प्लेन है। एक टी शर्ट मैंने ली है ये, और ये मैंने डेली यूज के लिए ली है। ये घर में पहनने के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल टी शर्ट है, और काफी लूज फिट की टी शर्ट है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, और बहुत कंफर्टेबल रहेगी ये घर पहनने के लिए। एक टी शर्ट मैंने ली है ये, और दूसरा जो टॉप लिया है मैंने वो भी मैंने डेली यूज के लिए ही लिया है। ये वाला टॉप मैंने लिया है, और ये बैगी टॉप है, काफी लूज फिटिंग में है, और इसकी जो स्लीव्स है काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये स्लीव जो है इसकी यहां से ये कटिंग है, इसमें इस तरीके की कटिंग दी हुई है, और
जब ये मैं वेयर करती हूँ तो ये जो ये वाला पोर्शन है काफी प्लीट्स आती हैं, तो बहुत ही अलग किस्म का इसका डिजाइन है, तो अच्छा लग रहा है काफी, और बहुत कंफर्टेबल है और काफी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। ये भी मीडियम लेंथ में ही है, और ये टी शर्ट टॉप जो है मैंने डेली यूज के लिए लिया है, तो ये भी काफी अच्छा लगा था मुझे, और फैब्रिक भी जो है वो समर फ्रेंडली है, तो काफी अच्छा रहने वाला है ये और बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। एक टॉप मैंने लिया है ये वाला। नेक्स्ट मैंने अपने लिए ली है एक लिनन में केपरी, और ये जो है प्लेन ब्लैक कलर की केपरी है, और इसमें नीचे जो है इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बिल्कुल प्लेन केपरी है मगर इसकी बॉटम में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, तो टी शर्ट्स के साथ में और टॉप के साथ में केपरी काफी अच्छी रहती है और गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है। एक मैंने ली है अपने लिए केपरी, और इसमें पॉकेट्स भी हैं, तो इसमें दोनों तरफ जो है वो पॉकेट्स हैं, और बैक में जो है इस तरीके की इलास्टिक दी हुई है, और फ्रंट में जो है ये डोरी है, तो इसकी जो वेस्ट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा मैंने लिया है फ्रेंड्स एमी के लिए सामान, तो उससे पहले मैं आपको अपना दिखा देती हूँ जो जो भी मैंने लिया है। और फ्रेंड्स थ्री पेयर में लेके आई हूँ ग्लव्स के, तो आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने ग्लव्स परचेज किए हैं, तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से प्रिंट में परचेज किए हैं। सो फ्रेंड्स एक तो मैंने परचेज किया है इस प्रिंट में, और ये तीनों जो है लॉन्ग ग्लव्स हैं, और मेरे जो पहले के ग्लव्स थे थोड़े से खराब हो गए थे, और काफी टाइम हो गया था मेरे पास, बहुत ज्यादा अभी कलेक्शन भी नहीं था, तो मुझे अच्छे लगे प्रिंट्स उस दिन, तो मैंने अपने लिए थ्री प्रिंट्स लिए। तो एक जो लॉन्ग ग्लव्स हैं मैंने इस प्रिंट पे लिए हैं, तो मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ, और इनका जो फैब्रिक है क्वालिटी है काफी अच्छी है, ये देखिए। सो फर्स्ट प्रिंट मैंने लिया है ये वाला, और सेकेंड प्रिंट मैंने लिया है वो भी काफी अच्छा है, वो ब्लू कलर, पहले वाला ब्लू कलर में है, और ये जो सेकंड वाला है ये ग्रे कलर में है, और इसका जो प्रिंट है कुछ ऐसा है। और एक मैंने लिया है इस प्रिंट में, तो ये भी बहुत ज्यादा क्यूट प्रिंट है मंकी वाला, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो एक मैंने ये लिया है। मैं आपको जल्दी से ओपन करके दिखाती हूँ। थर्ड वाला है ये, तो इसका जो प्रिंट है वो कुछ ऐसा है, और तीनों ही कलर्स मेरे ग्लव्स के ऐसे हैं जो हर ड्रेस के साथ चलेंगे। और फ्रेंड्स मैं हमेशा जब भी ग्लव्स एंड सॉक्स पहनती हूँ, तो हमेशा मैं जो भी ड्रेस पहन रही हूँ तो उसके साथ अच्छे से टीम अप करके पहनती हूँ, मैं हमेशा कलर कॉम्बिनेशन में कपड़े पहनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ में मैं जो एक्सेसरीज कैरी करती हूँ तो वो भी मुझे कॉम्बिनेशन में ही पहनना पसंद है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मैंने किसी कलर की ड्रेस पहनी है तो मैं कोई भी सॉक्स पहन लूँ उसके साथ, या कोई भी ग्लव्स मैं पहन के चली जाऊं, या हैंडबैग मैंने कोई भी कलर का ले लिया, नहीं, मुझे बहुत अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन में पहनना ही अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा अपनी एक्सेसरीज जो भी मैं वेयर करती हूँ तो मैं हमेशा कॉम्बिनेशन में ही वेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स तीन मैंने ली है ये सॉक्स, कॉटन सॉक्स, ये एंकल लेंथ में मैंने सॉक्स ली है, एक मैंने डिजाइन लिया है ये वाला, और एक मैंने डिजाइन लिया है ये व्हाइट वाला, व्हाइट एंड ब्लैक, और ये भी काफी अच्छा है। वैसे ये वाला कलर तो कुछ ऐसा है कि काफी कलर्स के साथ में ये चल जाएगा कॉम्बिनेशन में। और फ्रेंड्स एक मैंने सॉक्स ली हैं ये वाली, ये न्यू पैटर्न आया था भैया के पास जहां से मैं परचेज करती हूँ। ये देखिए ये स्टॉकिंग्स के फैब्रिक में ये सॉक्स है, और इसमें जो है पर्ल्स लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, ये देखिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो और ये भी एंकल लेंथ है, तो जब ये पर्ल्स दिखेंगे तो काफी अच्छी लगेगी ये सॉक्स, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगी इसलिए मैंने ली। और फ्रेंड्स मैंने लिया है एमी के लिए कुछ सामान, एमी के लिए मैं लेके आई हूँ दो इस तरीके के लोअर, तो ये जॉगर्स लिए हैं मैंने एमी के लिए दो, क्योंकि अब जो है रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो उतना ज्यादा गर्म अब नहीं है देहरादून में, कुछ दिनों से थोड़ा अच्छा वेदर हो गया है थोड़ा ठंडे में, तो बच्चों के लिए इवनिंग में
इस तरीके के जॉगर्स या लोअर्स ही अच्छे रहते, तो मैं अब उसको इवनिंग में जॉगर्स ही पहनाती हूँ, मैं उसको शॉर्ट्स नहीं पहनाती हूँ, फिर मस्किटोज का भी डर नहीं रहता है। तो दो मैंने एमी के लिए ये लिए हैं और एक मैंने एमी के लिए ली है ये शॉर्ट्स, शॉर्ट्स नहीं बरमूडा है ये, क्योंकि शॉर्ट्स जो है वो तो अबव नीज होती हैं, तो ये बिलो नीज है, ये मैंने उसके लिए बरमूडा शॉर्ट्स ली है। और फ्रेंड्स मैंने ली है नीति के लिए कुछ क्यूट क्यूट सी हेयर एक्सेसरीज, तो सबसे पहले तो मैं अपनी हेयर एक्सेसरीज आपको दिखाती हूँ। सो मैंने लिया है हेयर एक्सेसरीज का ये एक सेट, तो फ्रेंड्स इसमें जो है मैं आपको एक मिनट ओपन करके दिखाती हूँ। सो इस सेट में मुझे 3 हेयर एक्सेसरीज मिली हैं, तो ये जो लूप वाली ये स्टिक्स हैं इससे बहुत ही अच्छे हेयर स्टाइल्स बनते हैं, तो इससे जो हेयर स्टाइल्स बनते हैं उसमें मैं एक वीडियो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दो मैंने ये डिफरेंट साइजेस में ली हैं, ये देखिए ये इस तरीके की ये हेयर एक्सेसरी आती है, तो इससे बहुत ही अच्छे हेयर स्टाइल्स बनते हैं, और वो इसको कैसे यूज करना चाहिए तो मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर जरूर करूंगी, और मैं आपके साथ इससे बनने वाले हेयर स्टाइल्स भी जरूर शेयर करूंगी। तो इस पैकेट में मुझे मिली हैं 2 ये लूप वाली स्टिक्स, और एक मैंने लिया है इसमें मिला है मुझे ये टेल कॉम, और एक ये जूड़ा एक्सेसरी मुझे मैं इसी पैकेट में मिली है, इससे भी बहुत ही अच्छे जूड़ा जो है बन जो है इजिली बन जाता है। सो इन एक्सेसरीज को कैसे यूज करना है वो मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, और मैं काफी दिनों से ये लूप वाले ये जो स्टिक वाली एक्सेसरीज है मैं लेने की सोच रही थी, तो कल मुझे ये उस दिन संडे में मुझे ये दिखा तो मैंने ये परचेज किया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको नीति का, नीति की हेयर एक्सेसरीज, तो नीति ने क्या क्या लिया है वो दिखाते हैं आपको। सो नीति के लिए मैंने ली है ये 2 रबर बैंड्स, तो ये बहुत ही क्यूट है, ये बनी वाली रबर बैंड्स हैं, और इसमें इस तरीके की ये फर बॉल्स हैं, इसमें ईयर्स हैं और ये आईज हैं, तो ये मैंने नीति के लिए 2 ली हैं डिफरेंट कलर्स में। और एक मैंने ली है नीति के लिए ये बो क्लिप। सो फ्रेंड्स ये जो बो क्लिप है ये कलर चेंजिंग है, देखिए ये गोल्डन है, इसको अगर आप इस तरफ कर देंगे तो ये सिल्वर हो जाएगी, सो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक मैंने नीति के लिए ये ली है। और मुझे नीति के लिए हेयर एक्सेसरीज लेना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे गर्ल्स की एक्सेसरीज बहुत क्यूट लगती हैं, तो एक मैंने ली है ये रबर बैंड पर्ल्स वाली, और साथ ही मैंने लिए हैं अपने और नीति के लिए ये रबर बैंड्स के सेट, तो ये 4 रबर बैंड्स का सेट है, ये देखिए इस तरीके की इसमें 2 रबर बैंड्स हैं, तो ये 4 अलग अलग कलर्स में है ये, तो एक मैंने पैकेट लिया है ये, और दूसरा मैंने पैकेट लिया है ये, इसमें ये कलर्स हैं, और एक मैंने पैकेट लिया है ये वाला, इसमें ये वाले डिफरेंट कलर्स हैं, तो 3 पैकेट मैंने लिए हैं ये, और मुझे काफी अच्छी लगती हैं, तो इस तरीके की रबर बैंड्स मैं भी यूज कर लेती हूँ और नीति भी यूज कर लेती है। और 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं ये Q2C सी स्मॉल स्मॉल रबर बैंड्स, तो ये देखिए ये है इनके डिजाइंस, और साथ में मैंने नीति के लिए ली है ये 2 रेड कलर की बो वाली इस तरीके की क्लिप्स, सो ये नीति के लिए मैंने ली हैं। और मैंने ली हैं अपने लिए ये बड़े बड़े ये इयररिंग्स, लूप इयररिंग्स, ओके, तो इसमें एक तो साइज मैंने लिया है ये वाला, तो ये थोड़ा बड़ा साइज है और अच्छी लगती है ये, और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा चीप है, मतलब 30 रुपीज ईच है ये, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उस दिन लिया। एक मैंने इसमें लिया है ये वाला, और ये जो इयररिंग्स हैं ये थोड़े से थिन वायर में हैं, और ये वाली जो है ये थोड़ी सी थिक है, मतलब थोड़ी सी मोटी है ये, तो ये डिफरेंट डिजाइन है, और मैंने 3 अलग अलग साइजेस लिए हैं, तो एक मैंने साइज ये वाला लिया है, एक ये वाला, और एक मैंने लिया है साइज ये वाला। और फ्रेंड्स ये वाली और ये वाली जो इयररिंग्स हैं ये दोनों हैं रोज गोल्ड कलर में, और ये वाली जो इयररिंग है ये है गोल्डन कलर में, सो 3 मैंने अपने लिए ये वाली इयररिंग्स ली हैं डिफरेंट साइजेस में। और फ्रेंड्स मैंने ली हैं नीति के लिए ये Q2C स्लीपर्स बाबी वाली
तो जब मैंने ले ही लिया है तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। वैसे तो ये मैंने नीति के डेली यूज के लिए ली हैं, तो नीति के लिए मैंने ये स्लीपर्स ली हैं और अपने लिए भी मैंने ली है ये स्लीपर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटू सी शॉपिंग जो मैंने संडे में यहाँ के लोकल मार्केट से ली है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में हर चीज शेयर करना, क्योंकि अब हम लोग जो हैं वो हैं यूट्यूब की एक छोटू सी फैमिली और बहुत जल्दी हम लोग 500 की फैमिली होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटू सा हॉल वीडियो और अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो नई बनाऊं आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।